हेलो दोस्तों, इजी कूल एंटरप्राइज सोडा मशीन कंपनी में आपका स्वागत है। और ये है स्पेट बोतल सोडा प्लांट, यानी कि पीवीसी बोतल में सोडा पैक करने का प्लांट। और ये प्लांट है सिक्स हेड का, सिक्स हेड यानी कि दो हेड हमने इस मशीन में टू इन वन लगाया है, इसलिए दो हेड में चार हेड मिक्स है और दो हेड अलग है। जैसे कि हम इसके करीब में जाकर देख रहे हैं, देखिए टू इन वन हेड होने की वजह से इसी में ही पहले सोडा फिलिंग होता है और बाद में इसी में ही शरबत फिलिंग होता है, जिस वजह से एक ही जगह पर बोतल कंप्लीट हो जाता है और बार बार बोतल इधर से उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर दोनों काम हो जाता है। और उस वजह से टाइम और घुमाने का थकन इंसान का वो सब कुछ बच जाता है, आदमी थकता नहीं है इसमें, और स्पीड कैपेसिटी डबल हो जाती है। उस वजह से आप दिन भर में दूसरे जो मशीन है उनसे डबल बोतल फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि टू इन वन हेड होने की वजह से इसे बार बार बटन दबाना नहीं है, बार बार घुमाना नहीं है, एक ही जगह पर बोतल कंप्लीट हो रही है। जैसे कि ये हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसमें सोडा फिलिंग हुआ है। अब देखिए सोडा फिलिंग होने के बाद तुरंत ही शरबत भी फिलिंग हो रहा है। जितनी देर में बोतल भरी जाती है उतनी देर में ये बंदे कैप भी लगा देते हैं, लेकिन इसमें अगर दो बंदे अगर इकट्ठे होकर काम करें, एक बंदा कैप लगाए और एक बंदा इसको फिलिंग करे, तो कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। देखिए ये टू इन वन हेड है इस तरफ और दोनों तरफ ये कैपर मशीन है। देखिए ये हेड जो है दो, इसमें शरबत और पानी बिना गैस का आप फिलिंग कर सकते हैं बोतल में। और यहाँ पर हमने कम ज़्यादा प्रेशर करने के लिए सेटिंग भी दिए हैं दोनों। यहाँ पर ये बिना फ्लेवर का शरबत आप सेटिंग कर सकते हो कम ज़्यादा प्रेशर, और यहाँ से आप सोडा सेटिंग कर सकते हो कम ज़्यादा प्रेशर, यहाँ से शरबत कम ज़्यादा सेटिंग कर सकते हैं बाहर से ही। देखिए ऐसे दोनों ही हेड में हमने ये सिस्टम लगाया है, जो कि मार्केट में अभी तक सेटिंग करने का सिस्टम बाहर से किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि मशीन बेच के लोग हट जाते हैं, बाद में कस्टमर जाने, उसका काम जाने, जैसा भी बनना है। लेकिन हम लोग कस्टमर को पूरा ट्रेनिंग देते हैं और उसका सेटिंग कम ज़्यादा कभी हो जाए या करना हो तो कैसे करना है वो भी सिखा देते हैं हम। और इसमें हमने यहाँ पर ये सोडा का स्विच लगा दिया है और यहाँ पर हमने एक स्विच सिरप का लगाया है जो कि वाल का है। और यहाँ पर अगर मान लो कि प्लेन सोडा भरना है तो ये सादा सोडा को चालू रखना है, ये सिरप को बंद कर देना है, उसके बाद सिरप नहीं आएगा और सोडा ही आएगा मशीन में। तो ये हेड में दो तरीके का काम होगा, या तो आप प्लेन सोडा भी भर सकते हैं और दोनों साथ में भी भर सकते हैं। देखिए ये मशीन का हमने सिस्टम बनाया है, ये ट्रे हमने काफ़ी बड़े ही बनाया है और इस ट्रे का जो भी ड्रेनेज है ये साइड में हमने दे दिया है, इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी फ्लेवर जो भी कुछ गिरता है तो ये साइड में आ जाता है इसमें बोतल में। और उसके अलावा हमने यहाँ पर ये सिस्टम जो लगा दिया है, ये जो CO2 गैस लगाने के दो कनेक्शन है, जो दो गैस के सिलेंडर का कनेक्शन इस मशीन में जा रहा है, एक कनेक्शन है सोडा मशीन में लगा है और दूसरा कनेक्शन है जो पंप CO2 गैस से चलते हैं फ्लेवर के पंप, उसमें जा रहा है। और ये हमने एक वाल लगा दिया है, इस वाल की वजह से कभी आपको कार्बो टैंक का सोडा खाली करना हो तो ये वाल चालू करके आप निकाल सकते हैं पूरा कार्बो टैंक का सोडा, कार्बो टैंक फ्रेश कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमने यहाँ पर कनेक्शन दिया है, ये सोडा में जाने वाला फ्लेवर का कनेक्शन है। उसके अलावा बिना सोडा का जो फ्लेवर होगा शरबत स्टाइल का, उसके दो पंप हमने अलग से लगा दिए है, इसमें बिना फ्लेवर का, बिना सोडे का फ्लेवर है ये। और ये नीचे जो हमने कनेक्शन लगाया है, ये जो कनेक्शन है ये पानी के लिए है। उसके अलावा कभी आपको पूरा मशीन वॉश करना है तो आप यहाँ से ये वाल खोलकर मशीन पूरा वॉश कर सकते हैं, यहाँ से खाली हो जाएगा पूरा मशीन, ठीक है। तो ये मशीन खाली करने के लिए है, वॉश करने के लिए है सब। देखिए अभी ऑटोमेटिक इसका पंप और मोटर चालू हुआ है, जिसका आवाज आ रहा है। ये पंप हमने बड़ी कैपेसिटी का, ज़्यादा कैपेसिटी का पंप लगाया है, उस वजह से
सोडा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और पावर सोडा ही बनता है, इसलिए हमने सोडा मशीन का पंप जो कि सोडा प्लांट के अंदर लोग लगाकर बेच रहे हैं, छोटे छोटे पंप लगा के बेच रहे हैं जो कि सोडा मशीन में लगते हैं, हम वो पंप कभी इस्तेमाल नहीं करते बोतल प्लांट में। हम बोतल प्लांट की कैपेसिटी की वजह से बड़ा पंप इस्तेमाल करते हैं और इसका अभी आप ऑन हुआ है आवाज़ भी सुन सकते हैं। एक बार पंप ऑन होता है तो कम से कम 25 बोतल ऐसी भरी जाती है। एक बार पंप चालू होके बंद होने पर कम से कम 25 बोतल भरी जाती है, उसके बाद दोबारा से पंप ऑन होता है। और इसके अंदर ये एक्स्ट्रा चीलर लगाया हुआ है, ये 500 लीटर का एक्स्ट्रा चीलर लगा देने से इस मशीन की कैपेसिटी डबल हो गई है। डबल होने की वजह से आप दिन में आप इसमें 12,000 से 15,000 बोतल भर सकते हैं, जिसमें आप सोडे वाला बोतल 200 ml का तकरीबन आप 10-12,000 बोतल भर सकते हैं और दूसरा बोतल बिना CO2 गैस के शरबत का भी आप इतना ही भर सकते हैं। देखिए एक ही दिन हुआ है ये सोडा बोतल प्लांट चालू करने में और ये क्वालिटी है, ये है जीरा मसाला, ये जीरा मसाला है। आइए मैं आपको इसका कॉस्ट बताता हूँ कि ये जो खाली बोतल होता है और इसका कैप होता है, ये कैप और बोतल कुल मिला के ₹3.50 का यहाँ पर मिल रहा है आज की तारीख में, जबकि आज की तारीख है 30 जनवरी 2022 और ये कर्नाटक का महबूब नगर है, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक का महबूब नगर है। और इसके अलावा ये ऑरेंज की फ्लेवर है, आप देख सकते हैं तकरीबन ये बोतल की कॉस्ट है जो ₹3.50 केप और बोतल का, उसके अलावा 30 पैसे का स्टिकर है, यानी ₹3.80 का सिर्फ बोतल और स्टिकर और कैप बनता है। उसके अलावा इसके अंदर अगर हम फिलिंग सोडा फिलिंग करते हैं तो वो ₹1.10 का होता है, यानी कि कुल मिला के ₹4.90 की एक बोतल होती है तैयार। देखिए दोस्तों ये जीरा की बोतल है और ये बोतल की और कैप की कीमत है ₹3.50 बरोबर। उसके अलावा 30 पैसे का स्टिकर है, यानी ₹3.80 स्टिकर कैप और बोतल ₹3.80। और इसके अंदर जो फ्लेवर है वो फ्लेवर ₹1.10 का है, ₹1.10 और ₹3.80 यानी के ₹4.90 का कॉस्ट में ये बोतल तैयार हो रहा है। और ये कर्नाटक का यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का महबूब नगर नाम का एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर हमने लगाया है 6 हेड का मशीन। आप अभी इतनी महंगाई होने के बाद, पेट्रोल के रेट हर चीज़ के रेट बढ़ने के बाद, ये खाली बोतल में भी तकरीबन 60 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वरना पहले तो ये ₹4 में ही पूरा बोतल तैयार होता था, लेकिन अब हर चीज़ में रेट बढ़ने की वजह से इसका रेट तकरीबन ₹4.90 बन रहा है आज की तारीख में, जबकि आज है 30 जनवरी 2022 और ये कर्नाटक में खरीदा हुआ रेट है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग राज्यों में 10-20 पैसे का डिफरेंस हो जाता है बोतल कैप और मटेरियल्स के अंदर। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो चैनल आपको पसंद आया हो, बिजनेस आइडिया समझ में आया हो तो हमारा वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और इसे आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, दोस्तों को नया बिजनेस आइडिया मिले, दोस्तों की भी तरक्की हो। और ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।